हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्री मेडिको। माई सेल्फ डॉक्टर अनंत राज मौर्य MBBS फ्रॉम KGMC। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में प्लांट किंगडम डिस्कस कर चुके हैं पिछले 10 सालों के क्वेश्चन, तो आज हम लोग अपनी इस वीडियो में एनिमल किंगडम के पिछले 10 सालों के आए हुए MCQ डिस्कस करेंगे। और पिछले 10 सालों में इस चैप्टर से लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास आए हुए हैं, मतलब कि पर ईयर 6 क्वेश्चन का एवरेज इस चैप्टर से आ रहा है। और मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे कि आप लोगों ने कभी एनालाइज किया हो इस चैप्टर को लेकर के, तो पूरे बायोलॉजी में सबसे टफ क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं, क्योंकि ये पूरा एक चैप्टर ना हो करके पूरा 10 फाइलम का एक चैप्टर बन जाता है। और 10 फाइलम में सारे कंफ्यूजिंग ऑप्शन इसमें पड़े रहते हैं, आपने कितना भी रटा हुआ है लेकिन सोचिए कि आप रट करके डायरेक्ट इसके आंसर निकाल सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको करने का एक ही तरीका है कि आप जितना जो भी आपने पढ़ाई की है, जो भी आपके पास नॉलेज है, आप उसको यहाँ पर अप्लाई करो, ऑप्शन कट करो। बिना ऑप्शन कट किए इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन होते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग और सबसे ज़्यादा गलत होने के चांसेज इसी चैप्टर के होते हैं क्वेश्चन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर को कैसे सॉल्व किया जाए, इसका क्वेश्चन एकदम सिंपल वे में। तो हम लोग आज इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो सॉल्व करने से पहले इस चैप्टर के कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमको सीखने की ज़रूरत है, जो कि सारे आल 10 फाइलम से इसमें यूज आता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल किंगडम। तो सबसे पहला हम इसको देखेंगे, सबसे पहला आता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरा आता है, दूसरा कहा जाता है कि ये सिमेट्री कैसी है इसके, इस चैप्टर के, इस एनिमल फाइलम, सारे एनिमल्स के फाइलम के। तो तीसरा पॉइंट आता है हमारा कि जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एनिमल इसके डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। यार ब्लास्टिक चौथा इस जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो का हमारा सीलोम, सीलो मतलब कि बॉडी कैविटीज की है। पांचवा हम लोग डिस्कस करेंगे नोटोकार्ड, नोटोकार्ड पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। छठा हम लोग डिस्कस करेंगे नोटोकार्ड सेगमेंटेशन, बॉडी का सेगमेंटेशन कैसा है। ये सारे जितने भी हैं 6 पॉइंट हैं, ये सारे 6 पॉइंट इस आल 10 फाइलम्स में यूज होते हैं, इस चैप्टर के बेसिक हैं, जहाँ की सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके मिस होते हैं, गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो हम लोग एक एक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तीन होता है। सबसे पहला हमारा क्या था, ये सेलुलर, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये बॉडी किसकी बनी होगी, ये हमारी बॉडी इसकी, ये सेल्स की बनी होती है, मतलब कि सेल बॉडी कंप्लीट कंसिस्ट ऑफ मल्टी सेल्स की बनी होगी, ठीक है। तो ये सेलुलर लेवल की एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल मेन इंपॉर्टेंट है, क्या है इसका, पोरीफेरा फाइलम, इसका हमारा ये सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। और सेलुलर लेवल के बाद क्या था हमारा, टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल के बाद क्या था हमारा, टिश्यू मिल सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर के क्या बनाएंगे, आर्गन लेवल, आर्गन सिस्टम नहीं, ठीक है, आर्गन लेवल बनाएंगे, आर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, आर्गन सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। इन सब के हमारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो टिश्यू लेवल मतलब कि सेल मिलकर, सेल ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं, नेक्स्ट लेवल टिश्यू बना लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, टिश्यू लेवल हमारा आ जाता है ये फाइलम सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, ठीक है, फाइलम एंड टिनोफोरा, ठीक है। उसके बाद आर्गन लेवल, मतलब कि इसका कहना है कि हमारा बॉडी टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे,
ऑर्गन्स बना लेंगे। ऑर्गन लेवल किसमें पाया जाता है? ऑर्गन लेवल हमारा प्लेटी हेलमेंथीज फाइलम में पाया जाता है। इसका एग्जांपल क्या है? फाइलम प्लेटी हेलमेंथीज। उसको बताता है हमारा क्या? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन मिलकर क्या बनेंगे? ऑर्गन सिस्टम। इसका एग्जांपल हो जाता है क्या? ये हेलमेंथीज। क्या कार्डेटा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है? ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या पाया जाता है, आपको ये रटना है ये, ठीक है। उससे तो हमारी क्या आ जाती है? सिमेट्री आ जाती है, ठीक है। सिमेट्री हम लोग डिस्कस करते हैं। सिमेट्री हमारा आता है क्या? बॉडी या तो एसिमेट्री, तो तीन तरह की सिमेट्री हमारी क्या होती है? तीन तरह की। एक होती क्या? एसिमेट्री, मतलब कि बॉडी को किसी भी लेवल से कट नहीं किया जा सकता है, दो इक्वल भागों में कहीं से भी नहीं काटा जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक, ठीक है, एसिमेट्री। इसको एसिमेट्रिकल लेवल से बोलते हैं। और दूसरा हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा बाइलेटरल, या हमारे बाइलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल भी नहीं, दूसरी हमारी रेडियल सिमेट्री, उसके बाद बायलेटरल आती है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री, ठीक है, एसिमेट्रिक, एसिमेट्री, ठीक है, रेडियल सिमेट्री। उसके बाद क्या आ जाती है तीसरी हमारी? बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है, ये बायलेटरल सिमेट्री हो जाती है। तो हम लोग एक को डिस्कस करते हैं। एसिमेट्री, ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये एसिमेट्री। एसिमेट्री मतलब क्या? बॉडी को दो इक्वल भागों में कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता है, दो बराबर भागों में किसी भी प्लेन से, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं लोग? एसिमेट्री। एसिमेट्रिकल एग्जांपल क्या होता है हमारा? स्पॉन्जेज या पोरीफेरन, ठीक है। स्पॉन्ज और क्या? पोरीफेरा, इसका भी एग्जांपल हो जाता है हमारा एसिमेट्री का। उसके बाद क्या होता है हमारा? रेडियल सिमेट्री आ जाती है। रेडियल सिमेट्री बॉडी को, जैसे कि हमारा ये बॉडी हो जाती है, तो इसको क्या हो सकता है? दो इक्वल भागों में किसी भी प्लेन से डिवाइड किया जा सकता है, इसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है रेडियल सिमेट्री का? इसका एग्जांपल हो जाता है हमारा ये सिलेंट्रेटा, टीनोप्लेना, और कौन सा हमारा? एडल्ट ऑफ क्या? इकाइनोडर। तीन एग्जाम्पल, तीनों इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है। सिलेंट्रेट्स, ठीक है, टीनोफोरेंस हो जाएंगे, और क्या हो जाता है? एडल्ट, याद रखिएगा, एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स। एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स क्या होते हैं? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बट लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेट क्या होता है हमारा? बायलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। तो बायलेटरल सिमेट्री, ये हमारा बायलेटरल सिमेट्री, जैसे कि बायलेटरल सिमेट्री दो इक्वल भागों में केवल सिंगल प्लेन से डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि हमारा ये ह्यूमन हो जाता है। ह्यूमन को अगर डिवाइड करना होगा एक प्लेन से दो भागों में, ये यहाँ से इसको काटा जाएगा, ठीक है, यहाँ से डिवाइड किया जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। दो इक्वल भागों में केवल सिंगल प्लेन से डिवाइड किया जा सकता है, इसको बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाता है हमारा? इसका एग्जांपल हो जाएगा प्लेटी हेलमेंथीज टू कार्डेटा, ठीक है। क्या
कार डेटा फाइलम तक हमारा क्या बायलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। ठीक है, हम लोग टेस्ट अगले पॉइंट में डिप्लोब्लास्टिक ट्रिपल ब्लास्टिक पर आते हैं। ठीक है, तो नोट कर लिया इसको, हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग सिमेट्री डिस्कस हम लोगों ने कर लिया, अब नेक्स्ट पर हम लोग किस पर आते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक की ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है कि ये डिप्लोब्लास्टिक है ये। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आते हमारा क्या डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, ये टू बॉडी लेयर पाए जाते हैं। क्या टू लेयर होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले बाहर की आउटर क्या होती है, इक्टोडर्म। क्या होगी, आउटर लेयर बॉडी की इक्टोडर्म होगी, एंड क्या होगी, इनर इंडोडर्म की बनी होती है ये। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि इनर इंडोडर्म आउटर इक्टोडर्म है, और ये हमारे जैसे कि हमारा ये क्या हो गई, हमारी ये बॉडी हो गई इसकी। ठीक है, ये हमारा इनर हो जाता है ये। ठीक है, इनर इंडोडर्म हो गई है, ये हमारा आउटर हमारा इक्टोडर्म हो जाता है। और बीच में क्या हमारा ये डान सेलुलर, ये सेलुलर, इसमें सेलुलर लेयर की वो मटेरियल इसमें फिल्ड अप होते हैं। ये क्या होता है, ये हमारा दो टाइप हो सकते हैं। ठीक है, एक होता है मेसेनकाइम, एक होता है क्या मेसोग्लिया। मेसोग्लिया, तो जो मेसेनकाइम होगा, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा, पोरीफेरा। मेसोग्लिया किस में पाई जाती है, हमारा सिलेंड्रेटा। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक लेयर के एग्जांपल हमारे क्या हो गए, पोरीफेरंस एंड सिलेंड्रेट्स हो गए। मिडिल लेयर मेसोग्लिया है तो सिलेंड्रेटा है, ये मेसेनकाइम है तो पोरीफेरा हो जाता है। ठीक है, अब डिप्लोब्लास्टिक लेयर हमारी क्या हो जाती है, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक क्या हो जाएगा, थ्री जर्म लेयर, तीन लेयर पाई जाएंगे, थ्री जर्म लेयर होती हैं, थ्री जर्म लेयर बनी होगी। क्या सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, पहला एक्टोडर्म, बीच में क्या हो जाएगी मेसोडर्म, तीसरी क्या हो जाएगी है इंडोडर्म हो जाती है ये। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसके कौन से हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एग्जांपल ये हमारा हो जाता है सिलेंड्रेट के साथ। और कौन सा एग्जांपल था हमारा, टिनोफोरा भी था। ठीक है, ठीक है, ये हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा, हमारा ये प्लेटिहेलमिंथेस टू कार्डेटा। ठीक है, प्लेटिहेलमिंथेस टू ये कार्डेटा हमारा हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर, हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, सिलोम। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया, ये चैप्टर के बेसिक्स हैं, ये हमें जरूर आने चाहिए। और क्या था हमारे
शिलोम, ठीक है। शिलोम मतलब क्या? बॉडी कैविटी को शिलोम बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है? ये डिराइव किससे होती है? ड्राइव फ्रॉम, ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मीजोडर्म। ये मीजोडर्म से ड्राइव होती है कैविटी, इसको क्या बोलते हैं? शिलोम। जिनमें पाई जाती है कैविटी इसको सिलोमेट बोलते हैं, जिनमें नहीं पाई जाती है एसिलोमेट बोला जाता है। तो इसके एलिमेंट सिलोमेट का, इसका ये हमारे तीन होते हैं ये, ठीक है। बॉडी कोटि के आधार पर ये तीन हो जाते हैं हमारे, ठीक है। थ्री टाइप कैविटी पाई जाती है इनकी। सबसे पहले क्या जाता है? ए सिलोमेट, ठीक है। क्या हो जाएगा सिलोम? अब्सेंट, नो बॉडी कैविटी, ठीक है। मतलब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में ही पाए जाते हैं ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? तीनों लेयर प्लेटल में थी, जैसे हमारे इसका एग्जाम्पल सिलोमेट का एग्जाम्पल क्या हो जाता है इसका? ये बहुत करेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल है क्या? प्लेटी, ठीक है। हेलमेंथेज, ठीक है। नो बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी एब्सेंट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? ये स्यूडो सिलोम। स्यूडो सिलोमेटिस क्या हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल्स क्या हो जाता है? इसमें क्या हो जाएगा? ये स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से भाई, ये क्या होता है कि ये मीजोडर्म के बीच कैविटी पे मीजोडर्म का जगह जगह पैचेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? पैचेस ऑफ मीजोडर्म, ठीक है, पाए जाएंगे कैविटी के अंदर, ठीक है। स्यूडोसिलोमेट इसका एग्जांपल क्या हो जाता है हमारा? ये इसका एग्जांपल हो जाता है क्या? एस्केलमेंथीज या निमेटोडा। एस्केलमेंथीज करेक्टरिस्टिक एग्जांपल है स्यूडोसिलोमेट का ये, ठीक है। बहुत एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम ये रटने हैं आपको जो है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा? तीन यूसिलोमेट, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है? ये हमारा ये मेजोडर्म के बीच एक कैविटी पाई जाती है, टू सिलोम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग? टू सिलोम भी बोला जाता है इसी को। इसका एग्जांपल क्या हो जाता है? एग्जांपल हो जाएगा कहाँ से? एनी लीडर टू कार डेटा, ठीक है। करेक्टरिस्टिक इसका एग्जांपल है, ठीक है। अब लेकिन ये जो टू सिलोम है, इसको यू सिलोम को कितने दो भाग, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में डिवाइड किया गया है। किसमें किसमें? पहला आ जाता है क्या? साइजोसिलोमेट। ये यू सिलोमेट का टाइप है। ये साइजोसिलोमेट क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ मेजोडर्म से बनता, बनता किससे है? फार्म बाई के, फार्म बाई स्प्लिटिंग ऑफ मेजोडर्म। ये स्प्लिटिंग ऑफ मेजोडर्म से बनता है। एग्जाम्पल क्या हो जाता है इसका? करेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल क्या है हमारा? ये हमारा हो जाता है एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का। एनिलिडा आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का हो जाता है। दूसरा हमारा क्या आता है? ये दूसरा आ जाता है हमारा क्या? एंटीरो सिलोमेट। एंटीरो सिलोमेट दूसरा वो आ जाता है, ठीक है। ये क्या बनता है? आउट पाउचिंग ऑफ मीजोडर्म से बनता है। किससे बनेगा ये? आउट पाउचिंग ऑफ मीजोडर्म से बनता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाता है? इसका एग्जांपल हो जाएगा, दो एग्जांपल है, कौन सा? इकानोडर्मेट एंड कार्डेटा। ठीक है, ये हमारा सिलोम हो जाता है, ठीक है। क्लियर? हम लोग आप अगले टॉपिक पर चलते हैं। कौन सा हमारा ये? नोटोकॉर्ड। मैं पहले बता रहा हूँ कि ये हमारा बेसिक है इस चैप्टर का। ये हमें, अगर ये हमारा तैयार है तो 50% क्वेश्चन हम इसके आधार पर कर सकते हैं। जो सबसे टफ क्वेश्चन बनते हैं इसी चैप्टर से बनते हैं, ठीक है।
हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हमारा क्या था ये नोटोकार्ट, ये क्लस्टरिक है ये, ठीक है। नोटोकार्ट ये किससे बनता है, ये बीजो डर्म से डिराइव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। क्या ये डिराइव फ्रॉम ये मीजोडर्म से डेराइव होता है, ये सबसे पहला इसका क्वेश्चन बन जाता है। ये नोटोकार्ड ये क्या होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये किसे पाया जाता है, ये किसका फीचर है, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्या, कॉर्डेट फाउंड इन कार्डेटा, ठीक है, करेक्टरिस्टिक है। अब जो जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे लोग, नॉन कार्डेट, ठीक है, एब्सेंट इन नॉन कार्डेट, ठीक है। एग्जाम्पल ये हमारा क्या हो जाएगा, पोरिफेरा टू इकॉन्ड्रोमेट, ठीक है, पोरिफेरा टू इकाइनोडर्मेट, या हेमिकार्डेट को भी अब नॉन कार्डेट में रखा जाने लगा है ये, ठीक है। हेमिकार्डेट तक ले सकते हैं इसको, हेमिकार्डेट हमारा नॉन कार्डेट है, कार्डेट नहीं है वो, ठीक है। इंसर्टिम लिखा है कि हेमी कार्डेट है, पहले कार्डेट में रखा गया था, अब किसमें है, ये नॉन कार्डेट का पार्ट हो गया है, तो बोल सकते हैं ये पोरिफेरा टू क्या, हेमी कार्डेट जो भी दिया रहेगा ये, ठीक है। ये हो जाता है नोटोकार्ड, ठीक है। अब ये नोटोकार्ड जो है कार्डेट पाया जाता है, बट कार्डेट जो वर्टिब्रेट होते हैं, वर्टिब्रेट नोटोकार्ड किसमें रिप्लेस हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। नोटोकार्ड ये रिप्लेस्ड इन किसमें, वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइनल कॉर्ड में, इन क्या वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेट में किसमें, स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाएगा क्या, नोटोकार्ड चेंज हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का लास्ट, हम लोग जो डिस्कशन का बचता है क्या बचता है हमारा, लास्ट हमारा जो डिस्कशन का बचता है वो हमारा है सेगमेंटेशन, ठीक है। लास्ट में क्या है, सेगमेंटेशन, बॉडी सेगमेंटेशन, ठीक है। बॉडी सेगमेंटेशन, बॉडी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेगमेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेगमेंटेशन, ठीक है। ये बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होगी, इसका एग्जांपल क्या होता है, तीन ही एग्जांपल्स हैं, करेक्टरिस्टिक है तीनों एग्जांपल, जो कि सीबीएसई में या नीट में आता रहता है सेगमेंटेशन के बारे में, ठीक है। इसका एग्जांपल सबसे पहले क्या, तीन एग्जांपल हैं, एकदम याद रख लीजिए, एनिलिडा, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा एंड कार्डेटा, एक दो तीन कार्डेटा। तो यहाँ जो ध्यान देने वाला था, एनिलिडा में बॉडी डिवाइडेड इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ, ठीक है, बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड होती है, ठीक है, ठीक है। जबकि आर्थ्रोपोडा में बॉडी कैसे डिवाइड होगी, डिवाइडेड इन ओनली एक्सटर्नली, ठीक है, याद कीजिए। और ये कॉर्डेटा में क्या, डिवाइडेड इन ओनली इंटरनली, बाकी और किसी में डिवीजन डिवाइड नहीं होती है बॉडी किसी फाइलम में, तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का,
वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन के आधार पर क्वेश्चन आता है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हम लोगों का होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा को हम लोग कार्डेटा समझ करके सारे क्वेश्चन मिस्टेक कर देते हैं ये। ठीक है, वर्टिब्रेटा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नोटोकार्ड जो होता है ये वर्टिब्रेटा कॉलम में डिवाइड हो जाता है। अब इसमें वर्टिब्रेटा क्या है, वर्टिब्रेटा को दो भागों में डिवाइड किया गया है, किसमें किसमें है, एक होता है एग्नेथा, दूसरा क्या होता है हमारा ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, एग्नेथा मतलब क्या क्या जा एब्सेंट, ग्नेथोस्टोमेटा क्या जाएगा जो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका एक एग्जांपल है ए मतलब क्या एब्सेंट, ग्नेथा मतलब क्या जा। ठीक है, तो जो एब्सेंट होगा एक ग्नेथा हो जाएगा हमारा। इसका एग्जांपल लिखिए कौन सा हमारा साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, ये हमारा क्या है साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसी में से वर्टिब्रेटर्स बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। तो साइक्लोस्टोमेट क्या होते हैं, ये सबसे पहला पॉइंट, एक तो पैरासाइट होते हैं किस पर, फिश पर। क्या होता है इसका जो एब्सेंट होती है ये, और क्यों जो एब्सेंट होगी क्या हो जाएगा सर्कुलर सर्कुलर सकिंग माउथ होता है, मतलब कि इनका गोला गोला माउथ होगा और शक कर सकते हैं ये। ठीक है, सर्कुलर सकिंग माउथ होंगे। और तीसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट इनका क्या है कि इनमें जो फिन्स होते हैं अनपेयर्ड होते हैं ये। ठीक है, इनमें फिन क्या हो जाएंगे, फिन अनपेयर्ड होंगे। और चौथा पॉइंट क्या होता है कि इनमें क्या होगी स्केल एब्सेंट होते हैं, कोई स्केल नहीं पाई जाती है। पांचवा क्या पॉइंट इनका, ये कार्टिलेजनस इनका बोन स्केलेटन होगा। ठीक है, कार्टिलेजनस इंडोस्केलेटन होगा। ठीक है, इनका कार्टिलेजनस इंडोस्केलेटन होता है। ठीक है, और छठा क्या है, नोटोकार्ड परसिस्टेंट होता है इनका। नोटोकार्ड क्या होंगे, नोटोकार्ड परसिस्टेंट रहेंगे, नोटोकार्ड पड़ा रहता है, इसका एग्जांपल क्या हो जाता है। और हाँ, इसका सातवां पॉइंट क्या है, ये 6 to 15 पेयर ऑफ क्या गिल्स होती हैं, गिल्स होती हैं ये 6 to 15 पेयर्स, याद रखिएगा 6 to 15 पेयर्स गिल्स इनकी होती हैं, इनकी साइक्लोस्टोमेटा की है। ठीक है, और इनका नेक्स्ट पॉइंट जो है कि इनका एग्जांपल क्या होता है। ठीक है, ओह मिस्टेक कर दिया। ठीक है, वर्टिब्रेटा मैंने बताया था। ठीक है, एक नहीं था, ठीक है, जो एब्सेंट था इसमें। ठीक है, इसमें क्या था, जो प्रेजेंट था। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या था, स्टोमेटा था। ठीक है, मैंने साइक्लोस्टोमेटा का मैं डिस्कस कर लिया था, इसका एग्जाम्पल मुझे बताना था, मिस्टेक से पूरा डिलीट हो गया था। ठीक, साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल क्या था हमारा, दो एग्जाम्पल है। पहला क्या है हमारा, ये हमारा पहला है ये स्पिट्रोमाइजान। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा मिक्सिन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैगफिश बोलते हैं। पिट्रोमाइजान को लैम्प्रे बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम को याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब ग्नेथोस्टोमेटा के बारे में हम लोग बात करते हैं ये। ठीक है, ग्नेथोस्टोमेटा ये हमारा दो भागों में डिवाइड है, दो भागों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, किसमें, दो सुपर क्लास, किसमें सुपर क्लास
species and tetrapoda. ठीक है, टिट्रा मतलब क्या, चार, पोडा मतलब क्या, लिम्ब. ऐसे एनिमल्स जिनमें क्या होंगे, फोर पेयर, फोर लिम्ब पाए जाते हैं. फोर मतलब क्या, टू पेयर लिम्ब पाए जाएंगे, टू पेयर लिम्ब पाए जाएंगे. ठीक है, एग्जांपल, जब जिनके पास क्या होगा, जिनके पास चार लिम्ब होंगे वो क्या करते हैं, आराम करते हैं. ठीक है, जिनके पास लिम्ब होगा वही आराम करेंगे ना, तो आराम, ये क्या करेंगे, ये आराम करेंगे. टेट्रापोड आराम करते हैं, इसीलिए आराम करते हैं. आराम मतलब क्या, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स. पीसीज, पीसी हमारा क्या है, दो भागों में डिवाइड किया गया है ये. ठीक है, किसमें, ओस्टैक्थीज एंड कॉन्ड्राइक्थीज एंड ओस्टैक्थीज. ठीक है, कॉन्ड्राइक्थीज एंड ओस्टैक्थीज. ठीक है, कॉन्ड्राइक्थीज मतलब क्या, कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन पाया जाएगा. ठीक है, क्या है एंडोस्केलेटन, इनका कैसा होता है, ये कार्टिलेजनस, इनका एंडोस्केलेटन किसका बना होगा, कार्टिलेज का बना होगा. और ऑस्टियोसाइटिस का एंडोस्केलेटन किसका होगा, ये बोनी होता है. ठीक है, इनके बारे में चार से पॉइंट है, उसको हमें याद करना है. ठीक है, कॉन्ड्राइट क्या है, कार्टिलेज, एंडोस्केलेटन कैसा होगा, एंडोस्केलेटन कार्टिलेजनस हो गया पहला चीज. ठीक है, क्या होगा, कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन का हो गया. और क्या होगा इसमें, कि इसमें माउथ, माउथ कैसा होता है, ये वेंट्रल होता है. ये वेंट्रल मतलब कि अगर ये हमारी ये फिश हो जाएगी ये, ठीक है, ठीक है, ये जी इनका माउथ, ये वेंट्रल, ये माउथ इनका दिख रहा है, ये माउथ रहेगी, वेंट्रल साइड माउथ होता है ये. ठीक है, और क्या क्रस्ट रहेगी, क्या है ये हमारी, इनकी क्या, ये फिन्स हैं, मैं दिखा रहा हूँ कि ये क्या हमारा, ये क्या है, ये फिन्स हैं. वो क्या है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी बड़ी होती है. ठीक है, इनको क्या बोलते हैं उन लोग, फिन्स. कैसी होंगी ये फिन्स, हेट्रोसीलस होंगी या हेट्रोमेरस होंगी, ये छोटी बड़ी होंगी, हेट्रोमेरस फिन्स होती हैं ये. ठीक है, इसमें क्या होगा, एयर ब्लैडर एब्सेंट होगा. और क्या करेक्टरिस्टिक होती है इनमें, प्लेकॉइड स्केल पाई जाती है. कौन सी, प्लेकॉइड स्केल पाई जाएगी. और क्या करेक्टरिस्टिक होती है, ये वीवी पेरी शो करते हैं, वी पेरस शो करते हैं. और क्या करेक्टरिस्टिक होती है, कि इनमें क्या होता है, ये क्लैश पर पाए जाएंगे, कहां पर, आन पेल्विक फिन्स. इन क्या, मेल में पेल्विक फिन्स पर, ये क्लैश पर पाए जाते हैं ये. ठीक है, चलते हैं हम लोग ओस्टियोसाइटिस को देख लेते हैं ये. ठीक है, ओस्टियोसाइटिस जस्ट इसके अपोजिट होता है ये. ठीक है, ओस्टियोसाइटिस क्या होता है, इसका क्या होगा, माउथ टर्मिनल होगा. ठीक है, एयर ब्लेडर पाया जाएगा. और यहाँ इसका एक करेक्टरिस्टिक, इनका कॉन्ट्रैक्ट इसका ये मिस हो गया था, वो क्या है, ये अपर कुलम बहुत करेक्टरिस्टिक है, एब्सेंट होता है, ये गिल्स को कवर नहीं किए रहता है ये. ठीक है, इनमें गिल्स कितनी होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी है, ये फोर पेयर गिल्स होंगी. और कवर्ड बाय क्या, अपर कुलम, अपरकुलम प्रेजेंट होगा, ये कवर किए रहता है ये. ठीक है, और एंडोस्केलेटन कैसा होगा, ये बोनी होगा, ये मैं लिख चुका हूँ, बोनी एंडोस्केलेटन होता है ये. ठीक है, माउथ टर्मिनल पेयर ब्लडर प्रेजेंट, गिल्स फोर पेयर हो जाएंगे. और क्या ये फिन्स कैसे होंगी इसकी, आइसोमेरस या होमोमेरस या होमोसीलस पाए जाएंगे. होमो
ये मतलब कि फीस, ये अगर हम फीस बनाते हैं, ये हमारी ये फीस हो जाती है, तो ये टर्मिनल माउथ ही हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा ये बराबर पाई जाएगी, ठीक है। ये फिंस, फिंस क्या है, ये दोनों बराबर बराबर हैं इनकी, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये अंडे देते हैं, मतलब ओवी पेरस, दे आर ओवी ओवी पेरस होते हैं, ये करेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ये ठीक है। फ्रेश वाटर हो सकते हैं ये मोस्टली, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि मोस्टली मैरीन, ठीक है। ये मैरीन, मोस्टली मैरीन होते हैं, ये मोस्टली फ्रेश वाटर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, जितना हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पढ़ लिया सर जी, बाकी रेप्टाइल्स वगैरह ये सब जानते हो, जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं वो इसी में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट आप अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर अपने, अब हम लोग अपना क्वेश्चन डिस्कस करें, जितना हम लोग ने पढ़ा उसके आधार पर हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स, आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, फ्रूट सिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। सेगमेंटेशन किसमें था, हम लोग ने अभी डिस्कस किया, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड क्या, कार्डेटा, ठीक है। तो ऑर्गन लेवल कहाँ से, ऑर्गन सिस्टम लेवल कहाँ से था, ये हमारा क्या था, ये प्लेटिटू, सॉरी ये स्केल मीट, मतलब कि निमेटोडा, निमेटोडा टू क्या, कार्डेटा। ये हमारा क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ऑर्गन लेवल प्लेटेलमेंथी में था, तो ऑर्गन सिस्टम न्यूमेटोडा टू कॉर्डेटा था। बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है, ये क्या है, कहाँ से कहाँ तक था, ये प्लेटी टू कॉर्डेटा, ठीक है। ट्रू सिलोमेट कहाँ से था हमारा, एनिलिडा टू कॉर्डेटा, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग मैच करते हैं ऑप्शन की, एनिलिडा में ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा, बायलेटरल सिमेट्री टू सिलोम पाया जाएगा, ठीक है, विद क्या, सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, ये सही है, एनिलिडा सही हो गया, जिसमें जिसने एनिलिडा होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ये एनिलिडा, ये एनिलिडा, ये हो सकता है। अदर ऑप्शन देखते हैं कि ऑर्गन, ये मोलस्क के बारे में, ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा, बायलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी, टू सिलोम पाया जाएगा, बट सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी नहीं होगी, इस वजह से मोलस्का हमारा कट जाएगा। इस तरह क्वेश्चन पहले ऑप्शन कट करो, मोलस्का में हमारा सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी नहीं होगी ये, ठीक। तो जिसमें जिसमें ऑप्शन मोलस्का होगा वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है ये, तो ये ऑप्शन कटा, एंडिया आर्थोपोडा का डेटा ये नहीं है, वो एंडिया आर्थोपोडा मोलस्का, ये मोलस्का कट गया, ये मोलस्का कट गया। तो हम लोग अदर बिना ऑप्शन डिस्कस किए क्या, ये ऑप्शन गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर बी लगा देंगे इतने के आधार पर ऑन द स्पॉट तुरंत बिना कुछ किए, ठीक है। एनिलिडा में आर्थ्रोपोडा हो गया, आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन हो गई, कार्डेटा हो गई, कार्डेटा हमारा क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा में देखते हैं एनिलिडा था ही, आर्थ्रोपोडा में ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल सिमेट्री टू सिलोम विद सेगमेंटेशन हो गया, कार्डेटा में ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल सिमेट्री टू सिलोम विद सेगमेंटेशन बॉडी, ठीक है, करेक्ट। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग एग्जाम विद रिस्पेक्टिव करेक्टरिस्टिक, करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है, पाइला, पाइला हमारा क्या होता है, पाइला में हमारा क्या था, हम लोग पाइला में यही फ्लेम सेल्स कॉम्प्लेट रेडुला मेलपेगेंटी बोल रहे कि किसमें किस पाया जाता है ये कह रहा है। तो पाइला में हमारा फ्लेम सेल नहीं, कॉम्प्लेट नहीं, रेडुला, रेडुला ये रहा, रेडुला क्या होता हमारा, ये हमारे चेविंग ऑर्गन्स होता है, ये रेडुला हमारा क्या होता है, ये रेडुला पाइला में, ये रेडुला क्या होता है, ये चेप करता है ये, ठीक है। रेडुला टीथ का काम करता है पाइला में, ये उसे चबाता है वो अपने भोजन को। बॉमिक्स, बॉमिक्स मतलब क्या है हमारा, है ये बॉमिक्स मुराई हमारा क्या है, सिल्कवर्म, सिल्कवर्म क्या होता है, ये इंसेक्टा क्लास का होता है, इंसेक्टा क्लास का है, तो फ्लेम सेल नहीं, कॉम्प्लेट नहीं, रेडुला नहीं, ये मेलबेगियन ट्यूबुल्स पाई जाएंगी, इसमें मेलबेगियन ट्यूबुल होंगी एक्सक्रेशन के लिए, ठीक है। दूसरा प्लूरोब्रैंकिया, किस किस किसका है ये, हमारा ये टीनोफोरा का है, किसका है ये,
ये टीनोफोरा है। टीनोफोरा में क्या पाया जाता था, एट सिलिएटेड काम प्लेट पाई जाती हैं ये। ठीक है, तो हम लोग टीनोफोरा को यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। टीनोफोरा में ये किस क्लास का होता है, ये फाइलम टीनोफोरा का सदस्य है। पहला चीज, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक होती है, एट सिलिएटेड ये क्या होते हैं, काम प्लेट होते हैं। किसके लिए, लोकोमोशन के लिए होती है ये। और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, कि इसमें बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। बायोल्यूमिनेंस मतलब क्या, इमिट लाइट, ये लाइट को इमिट करता है ये हमारा कौन सा, प्लूरल ब्रैंकिया। टीनो प्लेना और टीनो वो प्लूरल ब्रैंकिया हमारा क्या है, ये टीनोफोरेंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है कि हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर टीनिया। टीनिया क्या है, प्लेटी एलिमेंट का सदस्य। इसमें एक्सक्रीशन के लिए क्या पाया जाता है, फ्लेम सेल्स पाया जाएगा। ठीक है, मैच कर लेंगे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट। क्या करा है, ट्रू सिलोमेट विथ बायलेटरल सिमेट्री। ट्रू सिलोमेट कहाँ से था हमारा, हमारा जो है एनिलिडा टू आर्थ्रोकॉडेटा था। कहाँ से, एनिलिडा टू कॉडेट था ये। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री क्या हो, कहाँ से होती है, प्लेटी टू कॉडेट होती है। ठीक है, तो एनिलिडा टू सिलोम एडल्ट इकाइनोडर्मेट। ठीक है, एडल्ट इकाइनोडर्मेट, एडल्ट इकाइनोडर्मेट की सिमेट्री ये ट्रू सिलोम तो पाया जाता है, वो तो पहला ऑप्शन सही है। बट क्या है कि इसमें बायलेटरल सिमेट्री ना होकर क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाए। एस्केलमेंट इसमें क्या था हमारा, ये स्यूडो सिलोमेट था। ये हमारा क्या है कि ये बायलेटरल बायलेटरल सिमेट्री तो है एस्केलमेंट इसमें, बट सिलोम क्या है इसका, स्यूडो सिलोमेट है। सीडो सिलोमेट होने की वजह से ऑप्शन कट। प्लेटरी एलिमेंथीज क्या है, ये ए सिलोमेट, ये हमारा क्या है, बायलेटरल सिमेट्री है बट ए सिलोमेट, इसलिए ऑप्शन गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, एनिलिडा में हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू सिलोमेट विद बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एनिमल डज दी अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, इसका मतलब क्या, लार्वल स्टेज प्रेजेंट, लार्वा पाया जाएगा। अर्थवर्म में क्या होता है, ये नो लार्वा, लार्वा मतलब क्या, इसमें ये लार्वा अब्सेंट हो जाएगा इसमें क्या, ये अर्थवर्म में। ठीक है, ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेट्स में हमारा क्या होता है, ये टैडपोल लार्वा पाया जाता है। टैडपोल लार्वा, तो लार्वा पाया जाएगा तो मेटामॉर्फोसिस पाई जाएगी। स्टारफिश कौन सा लार्वा होता है, इसके लिए कलर क्या होता है, बाइपिनेरिया लार्वा होता है। बाइपिनेरिया क्या, ब्रैक्यूलेरिया लार्वा, ब्रैक्यूलेरिया लार्वा था, इसमें मेटामॉर्फोसिस पाई जाएगी। मॉथ, मॉथ के लार्वा क्या होते हैं, हम लोग व्रिगलर लार्वा बोलते हैं इसको, जो है व्रिगलर लार्वा होता है, इसका हो जाता है। तो मॉथ में भी ये क्या पाई जाएगी, ये मेटामॉर्फोसिस पाई जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें लार्वा हमारा किसमें एब्सेंट है, अर्थवर्म में, इसमें मेटामॉर्फोसिस क्या हो जाएगी, नहीं होगी, नॉट, ये आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नो मेटामॉर्फोसिस। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रॉप एंड गिजर्ट इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, एम्फीबिया में नहीं, लेप्टाइल्स में नहीं, ऑस्ट्राकोसिस में नहीं, एप्स में क्रॉप एंड गिजर्ट पाया जाता है। ठीक है, एप्स इसका आंसर हो जाएगा। बीच में ना दे, एनिमल इज नॉट अ होमियोथर्मस। किंस अ होमियोथर्मस, होमियोथर्मस मतलब क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी कांस्टेंट। ठीक है, ये मैक्रोपस, मैक्रोपस क्या हमारे,
माइक्रोपस हमारा क्या है? कंगारू है। कंगारू मतलब क्या? ये हमारा क्या है? मैमल्स होते हैं ये। ठीक है, चिलोन। चिलोन क्या होता है? टर्टल। टर्टल क्या होता है? ये रिप्टाइल होता है। ये क्या होता है? ये हमारा पॉइकिलोथर्मस होता है, बट टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, तो पॉइकिलोथर्मस होता है। मैमल्स का क्या होता है? ये होमियोथर्मस होता है। कैमेलस क्या होता है? ये कैमेल। ये भी मैमल है तो होमियोथर्मस। सिटेगुला क्या है? ये पायरेट। पायरेट क्या होता है? ये बर्ड या एप्स होती है। एप्स क्या होता है? होम्योथर्मस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये मैक्रोपस हमारा क्या है? होम्योथर्मस। कैमेलस होम्योथर्मस है, सिटोकुला होम्योथर्मस है, बट कीलोन आर नॉट होम। ये कीलोन होम्योथर्मस, ये पाइकिलोथर्मस होता है, इसलिए आंसर हमारा ये गलत है। ये हमारा होम्योथर्मस नहीं है। तो आंसर क्या लगाएंगे हम लोग? आंसर लगाएंगे कीलोन, हमारा आंसर बी लगेगा कि नॉट अ होम्योथर्मस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक दैट हेमिकार्डेटा शेयर विथ कार्डेट। हेमिकार्डेटा मतलब क्या? नॉन कार्डेट। ठीक है, तो इसमें क्या है? वेंट्रल ट्यूबुलर नरोकॉर्ड। कार्डेट में क्या होता है? कार्डेट की करेक्टरिस्टिक क्या होती है हमारी? चार पांच करेक्टरिस्टिक है कार्डेट की, याद रखिए। क्या होता है ये? डार्सल ट्यूबुलर सिंगल नर्व कॉर्ड। ठीक है, डार्सल ट्यूबुलर सिंगल नर्व कॉर्ड होती है। ठीक है, और क्या होता है ये? पेयर्ड फ्रेंजियल गिल स्लिट होती है। और क्या होती है? और होता है क्या? पोस्ट एनल टेल ये पाया जाएगा ये। ठीक है, और क्या हो जाएगी? नोटोगार्ड पाया जाता है, ये करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब ये हेमी कार्ड ना, ये उस जबकि नॉन कार्डेड में क्या होता है? ये वेंट्रल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड होती हैं, जिसमें डबल होती हैं और ये वेंट्रल होती हैं। ठीक है, तो आपसे हम लोग मैच करते हैं। वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड ये कॉमन नहीं होगा, इसमें हो जाएगा बट कॉर्डेट में नहीं होगा। फायरिंजियल गिल, फायरिंग्स विथ गिल स्लिट। ठीक है, ये कॉर्डेट में पाई जाती है ये। ठीक है, एंड हमें कॉर्ड में पाई जाएगी, यही भी करेक्ट। फायरिंग्स विदाउट गिल स्लिट ये नहीं, क्योंकि इसमें नहीं, इसमें पाई जाती है। ठीक है, आपसे साथ नोटो कार्ड इसमें पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा, ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? बी कॉमन सेलेक्ट करेगा, फायरिंग्स विद गिल स्लिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एमंग दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल। एक्वेटिक मैमल के बारे में कौन सा एक्वेटिक मैमल सही है? ठीक है, डॉल्फिन ये एक्वेटिक मैमल है, सील एक्वेटिक मैमल सही है। ठीक है, बट ट्राइगन क्या है? क्या बोलते हैं ट्राइगन को? स्टिंग रे बोलते हैं, मतलब पॉइजनस स्टिंग होती है। ये क्या होती है? ये फिश होती है। कौन सी? कॉटलेज फिश होती है। ठीक है, कॉटलेज फिश होती है। ठीक है, फिश हो गए तो इसलिए मैमल नहीं, गलत हो, ये ऑप्शन गलत। व्हेल मैमल, डॉल्फिन मैमल, सील मैमल। ठीक है, ये तीन के तीनों मैमल्स हैं, ट्राइगन स्टिंगरे व्हेल मैमल सील मैमल। तो ये हमारी फिश हो गई, ये क्या फिश हो गई? तो ये मैमल, तो ये ऑप्शन गलत। सील तो मैमल है, डॉल्फिन मैमल, बट सार क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डॉग फिश। ये क्या था? कार्टिलेज फिश होती है, इसलिए ये भी गलत। आंसर हमारा बी हो जाएगा, बीच करेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आंसर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक्चर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हॉर्स। हॉर्स का ऑर्डर क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिसोडेक्टाइला कैबुलस इक्विज। क्या है? पेरिसोडेक्टाइला। पेरिसोडेक्टाइल क्या होता है? ऑड हूफ पाया जाएगा, मतलब ऑड हूफ मतलब जो खुर पैर, जिनके पैर होता है, लिंब होती है, वहां पर क्या होता है? जो पैर पाया जाता है खुर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? खुर बोलते हैं हम लोग इसको। तो ये अकेला सिंगल पाया जाएगा, तो पेरिसोडेक्टाइल में आड हूफ होता है, जबकि ये हमारा क्या होता है? एक होता है आर्टियोडेक्टाइल। क्या होता है ये? इवन
होते हैं, इवन हो, मतलब कि ये सम खुर, कम से कम दो खुर पाए जाएंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रूमिनेंट मैमल, ठीक है, लाइक क्या बुफेलो, बुफेलो काउ, अदर जो हो जाएंगे आर्टियोडेक्टाइल में आ जाते हैं, ठीक है। तंजर हॉर्स का पेरिसोडेक्टाइल ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके साथ द पोरिफेरेंस स्पॉन्जोसिलिस लाइंड विद फ्लैजेलेटेड सेल्स कॉल्ड, तो पोरिफेरेंस में जो स्पॉन्जोसिल कैविटी होती है किसके द्वारा लाइन होती है, ये फ्लैजेलेटेड सेल्स के द्वारा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं लोग, जो है इसको क्वानोसाइट बोलते हैं, तो आस्कुलम नहीं। तो जो हम लोग का पोरिफेरेंस होते हैं, पोरिफेरेंस ये मान लेते हैं ये हमारा पोरिफेरेंस हो जाता है, ठीक है। पोरिफेरेंस में छोटे छोटे ये ओपनिंग होती है, मल्टीपल ओपनिंग होती है छोटी छोटी, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, और ये सिंगल ओपनिंग होती है आउट के लिए, ठीक है, आउट ऑफ वाटर के लिए सिंगल ओपनिंग। ये वाटर क्या करेगा, वाटर इंटर करता है किसके थ्रू, इसको क्या बोलते हैं लोग, जो है ऑस्टिया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जो आउट होती है, इसको ऑस्कुलम। ये क्या होगा, सिंगल होता है, ऑस्टिया क्या हो जाएगी मल्टीपल, ऑस्टिया इज इक्वल टू क्या, माउथ के जैसा ये होता है, ये मल्टीपल इन नंबर होता है। तो आस्कुला ये रहा, एग्जिट हो जाता है कॉनोसाइट, ये जो इसकी सेल्स होती है ये, ठीक है। अंदर इसको जो कैविटी है, इसकी कैविटी को क्या बोलते हैं लोग, इसकी कैविटी को स्पॉन्जोसील कैविटी इसको बोला जाता है, पूरी कैविटी को स्पॉन्जोसील कैविटी बोलते हैं। और यहाँ पर एक सेल्स जो लाइन होती है, इस कैविटी को लाइन करने वाली सेल्स, ये पूरा ये कैविटी को लाइन की रहते हैं इनर वाल लेयर पर जो है, ये कौन सी सेल्स हो जाती है, ये कॉनोसाइट सेल्स होते हैं, इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कह रहा है कि आल में मार था वी पेरस, एक एक को डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग मैमल्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैमल्स कितने होते हैं, तीन तरीके के मैमल्स होते हैं, कौन से, तीन सब क्लास मैमल्स की होती है, कौन सी होती है, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया, ठीक है। प्रोटोथेरिया मैमल्स क्या होती है, ओवी पेरस होती है, ओवी पेरस मतलब क्या, एग लेइंग। इसका एग्जांपल कौन सा होता है, इसके दो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल क्या होता है इसका, एकेडिना या क्या, स्पाइनी आंट ईटर, या इसको क्या बोलते हैं लोग, टैकी ग्लॉसस भी बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल कौन सा होता है हमारा, दूसरा एग्जांपल होता है ये डक और नीथो रिंकस, और ये तो रिंकस, ये क्या डकबिल प्लेटिपस बोलते हैं, डकबिल प्लेटिपस बोलते हैं। ये करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ये बल्ली पॉइजनस मैमल, बल्ली पॉइजनस मैमल ये होता है ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, आप लोग देखते हैं क्या मेटाथेरिया हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, नोट कर लिया, ठीक है, चलिए। मेटाथेरिया ये क्या होते हैं, इनको इनमें मार्सुपियल पाउच, मार्सुपियल मैमल बोला जाता है। क्या होते हैं मार्सुपियल, मार्सुपियल पाउच पाया जाता है, या मार्सुपियल मैमल भी बोलते हैं ये, ठीक है। इनमें क्या होता है कि जैसे कि इनमें
ये अपनी जो मार्सुपियल पाउच होते हैं इसमें अपने इमेच्योर बेबी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ये किस काम में यूज किया जाता है, ये इमेच्योर बेबी प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाता है हमारा, इसका एग्जांपल हो जाएगा मैक्रोपस। मैक्रोपस है क्या, कंगारू। तो मेटाथिरिया क्या हो गई, ये विविपेरस। यूथिरिया जो नॉर्मल विविपेरस एनिमल्स होते हैं, ये क्या होता है, विविपेरस, ये भी हो जाता है, ठीक है। तो आलमेमिलार द विविपेरस, ये गलत हो जाएगा, ये प्रोटोथिरिया क्या होता है, ये एक लिंग मैमल्स होते हैं, विविपेरस नहीं होता है। तो आल, आप अगला ऑप्शन डिस्कस करते हैं, आल साइक्लोमेट्स डू नॉट पासेस जा, किसी भी साइक्लोस्टोम में जॉ नहीं पाया जाता, ये सही है। एंड पेयर्ड फिन भी नहीं पाई जाती, ये भी सही है। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है, मतलब कि एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑप्शन बी। एंड ऑप्शन सी, आल रेप्टाइल्स हैव द थ्री चेंबर हार्ट, नो, आल रेप्टाइल पासेस नो थ्री चैम्बर हार्ट, मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल पासेस थ्री चैम्बर हार्ट, बट क्रोकोडाइल पासेस क्या, फोर चैम्बर हार्ट। इन क्रोकोडाइल हैज क्या, फोर चैम्बर हार्ट, क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर हार्ट पाया जाता है, क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर हार्ट पाया जाएगा, ठीक है। क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर हार्ट पाया जाता है, अदर सार ऑल रेप्टाइल पासेस थ्री चैम्बर हार्ट, बट क्रोकोडाइल पासेस फोर चैम्बर हार्ट। एंड नेक्स्ट ऑप्शन, ऑल स्पीशीज हैव गिल्स कवर्ड बाय ऑपरकुलम, नो, ऑल स्पीशीज हैव गिल्स कवर्ड बाय ऑपरकुलम, नहीं। स्पीशीज मतलब क्या, स्पीशीज मतलब हम क्या थिंक करते हैं, वल्ली बोनी फिशेस शो करते हैं, नहीं। स्पीशीज के दो पार्ट होते हैं, मैंने डिस्कस किया था इसके पहले, स्पीशीज की क्या, ये क्या था, एक कॉन्ड्राइथीज एंड क्या ओस्टाइक थीज, मैंने डिस्कस किया था कॉन्ड्राइथीज एंड ओस्टाइक थीज है। कॉन्ड्राइथीज में क्या था हमारा, अपरकुलम एब्सेंट, ठीक है, अपरकुलम एब्सेंट था, जबकि ओस्टाइक थीज क्या था, ये प्रेजेंट था, अपरकुलम इज प्रेजेंट रहेगा कवर्ड गिल्स, ये प्रेजेंट रहेगा, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग द करेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय द बर्ड एंड मैमल, की कौन सा करेक्टरिस्टिक शेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। बर्ड क्या होती है, बर्ड आर ओविपेरस, मैमल आर, मैमल्स क्या होंगे, विविपेरस होंगे, ठीक है। विविपेरिटी करेक्टरिस्टिक नॉट शेयर्ड बाय, नॉट कौन सा नहीं शेयर करेगा, विविपेरिटी नहीं शेयर करेंगे, आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अदर देख लेते हैं, बोथ आर वार्म ब्लडेड इन नेचर, बोथ आर एंडोस्केलेटन ऑसिफाइड होंगे, एंड ब्रीथिंग यूज्ड बाय लंग्स, ऑल आर द करेक्ट, मतलब कि बी सी ऑप्शन एब्सोल्यूट राइट, बट विविपेरिटी शोज बाय मल्ली मैमल्स एंड ओविपेरस नेचर शोज बाय बर्ड, मतलब कि मैमल्स आर द क्या, चाइल्ड ले करेगा, बर्ड एग ले करेगा, इसलिए ऑप्शन आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, कि विविपेरिटी नहीं शो करेगा, ठीक है। ऑप्शन ए आंसर लगेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू करेस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स, मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल्स कौन सा होल्ड ट्रू है ये, ठीक है। पासेस का माउथ विथ अपर एंड लोअर जा, कह रहा कि माउथ पाया जाएगा अपर एंड लोअर जा, ठीक है। ये कार्डेट, पूरे कार्डेट की बात कैसे कर दिया, पूरा कार्डेट पे, आल कार्डेट में माउथ है ना, पर लोअर जा नहीं पाया जाएगा, इन क्या कार्डेट के अंदर क्या, इन कार्डेट साइक्लोस्टोमेटा में क्या होगा, ये जा एब्सेंट होगी, ये एक्सेप्शन है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, कार्डेट में सब में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। थ्री चैम्बर हार्ट विथ इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, रेप्टाइल्स, आल रेप्टाइल में थ्री चैम्बर हार्ट नहीं, डिप्टल में क्या, क्रोकोडाइल्स में क्या फोर चैम्बर्ड हार्ट होगा,
ठीक है, इसलिए ये भी आपसे गलत हो जाएगा। कार्टिलेजनस इंडोस्केलेटन इन कॉन्ड्रैक्टाइटिस आर कॉन्ड्रैक्टाइटिस पास कार्टिलेजनस इंडोस्केलेटन, ये एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑप्शन सी। एंड हम लोग चौथा ऑप्शन ऑप्शन डी हम लोग देखते हैं, विविपेरस मैमलिया। क्या आल मैमल्स आर विविपेरस? नहीं, क्या था हमारा प्रोटोथेरियन, क्या होते हैं हमारे ओविपेरस होते हैं, मतलब एक ले करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली राइट, आंसर सी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग फीचर नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा, मतलब कौन सा करेक्टर आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाएगा। पैरोपोडिया किसमें था, ये पैरोपोडिया प्रेजेंट इन क्या, नेरिस, नेरिस क्या ये एनिलिडा है, तो ये कार्डियड आर्थ्रोपोड नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा हमारा। जॉइंट अपेंडिजेस प्रेजेंट आर्थ्रोपोडा, कार्डियस एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोडा एंड मेटाबॉलिक सेगमेंटेशन आर्थ्रोपोडा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये ऑप्शन बी सी डी ऑप्शन आर राइट बट ऑप्शन ए इज रॉन्ग। आंसर क्या लगेगा, आंसर इज पैरापोडिया एब्सेंट इन आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बॉडी हाइविंग मेस्वर्क ऑफ द सेल, बॉडी हाइविंग मेस्वर्क ऑफ द सेल इंटरनल कैविटीज लाइन बाई फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स इंटर, मैंने अभी डिस्कस किया था कि इंटरनल कैविटी फ्लैजिलेटेड सेल से लाइनिंग होती है, तो किसमें पाई जाती है पोरिफेरस में, क्या बोलते हैं लोग उसको, वियर कॉल्ड क्या कॉनोसाइट सेल सेल्स, किसे पाया जाता है पोरिफेरा में पाया जाएगा, तो मोलस्का नहीं, स्केलेटन हो प्रोटोजोअन हो, ऑप्शन डी पोरिफेरस करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाजेनेसिस रिफर्स टू, मेटाजेनेसिस क्या होता है, मेटाजेनेसिस आर क्या की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जनरेशन क्या पॉलिप टू मेड्यूसा एंड मेड्यूसा टू पॉलिप, ठीक है ये होता है, ठीक है पॉलिप, ठीक है पॉलिप टू मेड्यूसा, किसके द्वारा है हमारा पॉलिप से मेड्यूसा, जब ये पॉलिप से मेड्यूसा जब फॉर्मेशन होता है किसके द्वारा होता है ये एसेक्सुअल, एंड मेड्यूसा टू पॉलिप भाई क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एग्जाम्पल ओवेलिया, ओवेलिया को क्या बोलते हैं लोग सीफर बोला जाता है ओबिलिया को, ठीक है तो ओबिलिया सीफर हो जाएगा, इसमें मेटाजेनेसिस पाई जाती है ये इसका एग्जांपल, ठीक है। अकरेंस ऑफ द ड्रास्टिक चेंज इन पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नो, प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेड बॉडी पैथोजेनेटिक मोटर रिप्रोडक्शन नो, प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म नो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फेज ऑफ स्पर्म, यस दिस इज राइट ऑप्शन डी इन ओबिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द जॉलेस फिश विच ले एग, इन जॉलेस फिश मतलब क्या, मीन्स क्या साइक्लोस्टोमेट्स ले एग इन द फ्रेश वाटर एंड हूज एमोसीट लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन, तो साइक्लोस्टोमेट क्या होते हैं कि ये मरीन होते हैं एक्सक्लूसिवली, क्या होते हैं मैरीन एक्सक्लूसिवली, मतलब कि वनली मैरीन होंगे नो फ्रेश वाटर स्पीसीज फाउंड साइक्लोस्टोमेट के, ठीक है मैरीन में होते हैं एडल्ट और ये कहाँ माइग्रेट करके जाएंगे रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेश वाटर की ओर मूव करके जाएंगे, वहाँ अपना एग लेइंग करेंगे, उसके बाद ऑन द स्पॉट वहीं पर इनकी डेथ हो जाती है, उनका लार्वा जो होगा या जो भी इनके एम्ब्रियो होंगे निकल करके ये मूव करके वापस सी में मरीन वाटर में दोबारा वापस आ जाते हैं ये, ठीक है ये साइक्लोस्टोमेट का लाइफ साइकिल चलते हैं। तो इसका लार्वा का हेमोसिट लार्वा किसका होता है नियोमेक्सिन इप्टेट्रस नो पेट्रोमेथन मेक्सिन, दो एग्जांपल था किसके साइक्लोस्टोमेट के, एक पेट्रोमाइजन दूसरा मेक्सिन, तो पेट्रोमाइजन के लार्वा को क्या बोलते हैं लोग हेमोसिट लार्वा बोलते हैं, ठीक है लार्वा क्या था
एमोसीड लार्वा इसका था किसका, पेट्रोमाइजन का। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, एमोसीड लार्वा पेट्रोमाइजन का, मैक्सिन का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इंडो पैरासाइट ऑफ द ह्यूमन डस शो वी प्योरिटी, कौन सा इंडो पैरासाइट वी प्योरिटी शो करता है। ऑप्शन देखते हैं, ट्राइकिनेला, एस्केरिस, एंकलोस्टोमा, एंट्रोबियस। ठीक है, एंट्रोबियस को क्या बोलते हैं लोग, पिन वर्म बोलते हैं। ये क्या करता है, ये एक ले करता है। एंकलोस्टोमा डियोडियोम डियोडिनेल क्या बोलते हैं लोग, हुक वर्म बोलते हैं ये। ठीक है, ये हुक वर्म है, ये एंकलोस्टोमा डियोडिनेल। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक लेइंग करता है ये। ठीक है, एंड एस्केरिस सब लोग वाकिफ हो, ठीक है, ऑल आर नोन टू अबाउट एस्केरिस। एस्केरिस क्या होता है, ये एस्केरिस लैम्ब्रिकोटिस। ठीक है, ये भी क्या करता है, ये एग ले करता है। बचा क्या, ट्राइकिनेला स्पाइरलिस। ठीक है, ट्राइकिनेला स्पाइरलिस क्या होता है, ये विवीपेरस निमेटोड होता है, ये विवीपेरस निमेटोड ये हमारा हो जाएगा। एंड अदर एक्स्ट्रा दूसरा स्पीसीज कौन सा है जो कि विवीपेरस को करता है, ये एंड क्या कुछ डेरिया ब्रैंकोफ्टाई। ठीक है, ये भी हमारा विवीपेरिस शो करता है। इसका लार्वा कौन सा होता है हमारा, जो है मतलब इसका जो विवीपेरिस जो होगा उसको क्या बोलते हम लोग, माइक्रोफाइलेरी। इसके लार्वा को माइक्रोफाइलेरी बोला जाता है। ये विवीपेरिस एनिमल्स होता है, ये वाउचेरिया एंड ट्राइकिनेला, याद रखे ट्राइकिनेला दे चुका है, वाउचेरिया पूछ सकता है। ठीक है, वाउचेरिया क्या बोलते हम लोग, फाइलेरियल वर्म बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट क्या करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन, सकलिंग एंड सर्कुलर माउथ। ठीक है, सकलिंग सर्कुलर माउथ किसका, साइक्लोस्टोम जा एब्सेंट, बिल्कुल सही, साइक्लोस्टोम के बारे में पूछा क्लास, सकलिंग सर्कुलर माउथ सही, जो एब्सेंट सही, इंट्रूगमेंट विदाउट स्केल ये भी सही है, बट पेयर्ड अपेंडेजेस ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये एक एक ऑप्शन को आप टिक करते जो काटते जो, पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं, ये रॉन्ग है, पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं पाया जाता है साइक्लोस्टोमेट में, नहीं पाया जाएगा, इसलिए ऑप्शन ये गलत, ये करेक्ट पूछ रहा है। बॉडी कवर एप्स के बारे में लास्ट नंबर में, बॉडी कवर्ड विथ फीदर ऑप्शन ये सही है। स्किन वाइट नहीं, रॉन्ग है, एक एक ऑप्शन में बोला हूँ काट करने के लिए, मॉइस्ट स्किन रॉन्ग। एंड ग्लैंडुलर नहीं, ग्लैंड कहाँ होती है, ग्लैंड वनली ऑन टेल रीजन, कौन सी ग्लैंड, प्रीन ग्लैंड, कहाँ पाई जाती है, ये टेल ऑफ एप्स के पाई जाती है ये। ठीक है, फोर लिम फॉर्म विंग, ये भी ऑप्शन सही है, तो हमारा फोर लिम विंग बनाता है, लंग विथ एयर सैक ये भी सही है। किसकी वजह से गलत हुआ है इसका, मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर स्किन, ये वजह से ये गलत हो जाएगा। मैमेलिया बारे में करा है, मैमरी ग्लैंड पाई जाएंगी, हेयर ऑन बॉडी पाया जाएगा, पिन्ना एंड टू पेयर लिम्ब, टू पेयर लिम्ब ये भी सही है, टू पेयर लिम्ब हेयर मैमरी ग्लैंड ये भी सही है, बट ऑप्शन क्या है, पिन्ना, पिन्ना ये रॉन्ग है, ये पिन्ना किसमें एब्सेंट होगा, सारे मैमल्स नहीं पाया जाए, पिन्ना एब्सेंट इन किसमें, प्रोटो एरियन मैमल, प्रोटोथेरियन मैमल में पिन्ना एब्सेंट होता है, इसलिए ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, माउथ वेंट्रल कॉन्ट्रैक्टिस, मतलब क्या कॉन्ट्रैक्टिस बोल रहा है, ये माउथ वेंट्रल होगा सही है, गिल्स विदाउट अ प्रॉब्लम ये ऑप्शन भी सही है, स्किन आर प्लेकॉर्ड स्केल ये ऑप्शन भी सही है, परसिस्टेंट नोटोकार्ड ये भी सही है हमारा। तो इसके चार सारे ऑप्शन इसके कॉन्ट्रैक्टिस के सही है, आंसर डी हमारा लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सबसे कंफ्यूजिंग होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा गलत होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स नॉट विवीपेरस, कौन सा विवीपेरस नहीं है। ठीक है, प्लेटिपस, डकबिल प्लेटिपस क्या है, ओवीपेरस, हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस में, व्हेल विवीपेरस है ये, विवीपेरस, एलिफेंट विवीपेरस, फ्लाइंग फॉक्स बैट ये भी विवीपेरस है, बट कौन सा नॉट अ विवीपेरस है, कौन सा विवीपेरस नहीं है, तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर
प्लेटिपस ये हो जाएगा, जो कि वीपेरस नहीं है, ये वीपेरस नॉट अ वीपेरस की बात कर रहा है, तो प्लेटिपस नॉट अ वीपेरस सिंबल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड। इंसेक्ट मतलब कि सारा वाटर, एयर, लैंड, हर जगह, ऑल स्पेसिस पर क्यों डाइवर्सिफाई हुआ? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन। आंसर ए सही हो जाएगा। आई नो सेगमेंटेशन नो पैलेटल सेगमेंटेशन इन सबका कोई रोल नहीं है, बट एक्सोस्केलेटन क्या करता है, सब जगह उसको रेजिस्टेंट कर सकता है, सर्वाइवल में हेल्प करेगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द टैक्सन मेंशन्ड दैट रिप्रेजेंट बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज। करा कि बोथ मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों पाए जाते हैं एक टैक्सन में। इकानोडर्मेट्स एक्सक्लूसिवली मैरीन, ठीक है। सिफेलोकार्डेट एक्सक्लूसिवली मैरीन। टिनोफोरा एक्सक्लूसिवली मैरीन। बट निडेरिया क्या है हमारा? निडेरिया सिलेंड्रेटा में क्या होता है हमारा? फ्रेश वाटर मरीन बोथ, ठीक है। बटन मरीन, ठीक है। आंसर हमारा डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। किस पे कंप्लीटली लैक सेल वॉल होता है? ये सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट पाई जाएगी, ठीक है। सेल वॉल किस पे एब्सेंट होती है? एनिमेलिया में, वनली एनिमल वनली किंगडम जिसमें क्या होगा सेल वॉल लैक, एनिमेलिया। साइनोबैक्टीरिया बीजीए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में सेल वॉल क्या हो जाएगी पाई जाएगी, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट रहेगी, क्या होगी? प्रेजेंट रहेगी सेल वॉल। सी फैन गार्गोनियम, ठीक है। सी फैन गार्गोनियम, ठीक है। ये किसका है? सिलेंट्रेटा। क्या है? एनिमल्स का है। आंसर एनिमल्स में लैक सेल वॉल होगी। साइक्रोमाइसिस क्या है? फंगस। सेल वॉल प्रेजेंट होगी। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया सेल वॉल प्रेजेंट। ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेनेरिया पासेस हाई कैपेसिटी ऑफ प्लेनेरिया ड्यूजेसिया। ये किस, ये किस किंगडम का है? किस फाइलम का है? फाइलम प्लेटीलमेंथीज को होता है। तो प्लेनेरिया के बारे में दो तीन चीजें हैं, ये हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन पाया जाता है ये, और ये क्या होता है? ये नॉट पैरासाइट। क्या होता है? ये फ्री लिविंग, ये पैरासाइट नहीं होता है ये, इसलिए ये क्या होता है? ये मेटामॉर्फो, हाई कैपेसिटी मेटामॉर्फोसिस नहीं। रीजनरेशन, बॉडी को जितने भागों में डिवाइड करोगे उतना प्लेनेरिया ड्यूजेसिया बन जाएगा, तो ये हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन होता है। अल्टरनेटिव जनरेशन नहीं, बायोलुमिनेसेंस नहीं, ठीक। बायोलुमिनेसेंस किसमें था? ये टिनोफोरस में था। अल्टरनेटिव जनरेशन किसमें था हमारा? ओबेलिया में था, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट में पाया जाता है या फिर लार्वल करेक्ट लार्वा डेवलप होता है, लार्वा के थ्रू जो जाएगा उसको मेटामॉर्फोसिस बोल जाएगा, काफी के में पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरीन कार्टिलेजनस फिश कैन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट इज। कर मरीन कार्टिलेजनस फिश जो क्या प्रोड्यूस करती है? इलेक्ट्रिक करंट। जो मरीन कार्टिलेजनस फिश जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, प्रेस्टिस क्या बोलते हम लोग? साफ स्ट्राइगन, स्टिंग रे बोलते हैं। स्क्लोडॉन डार्क फिश, टॉर्पीडो, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फिश। तो हमारा टॉर्पीडो क्या है? ये इलेक्ट्रिक फिश है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले फॉलोइंग करते हैं करेक्टली मैच विथ रिस्पेक्ट टू देयर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। कौन सा करेक्टली मैच बोल रहा है, ठीक है? हाउस फ्लाई, ठीक है। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई, सिल्वर फिश, इंसेक्ट होते हैं ये। बिल्कुल सही ऑप्शन, ये ऑप्शन इज, ऑप्शन इज राइट। स्पाइनी एंटीटर, ठीक है। ये स्पाइनी एंटीटर क्या हो तुम लोग? इकिडिना था, ठीक है। इकिडिना क्या होता है ये हमारा? प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया मतलब क्या? कार्डेट था ये, कराई कार्नोडर्मेट नहीं, ये कार्डेट है, इसलिए पहले ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, आगे पढ़ने नहीं है, ठीक है। सी अर्चिन, सी अर्चिन हमारा क्या है?
काउंटर में है, सी का कम्बर ही काउंटर में, ये दोनों काउंटर में है बट ये नहीं है। फ्लाइंग फिश क्या बोलते हैं लोग, एक जो सीटर फ्लाइंग बोलते हैं, फ्लाइंग फिश बोलते हैं, तो ये किसका है हमारा फ्लाइंग फिश, किसका है एक जो सीटर्स फ्लाइंग फिश, ये हमारा ये बोनी फिश है, ये बोनी फिश, बोनी फिश पिसी से बिलोंग करती है, ठीक है। बस ये बट ये क्या है, कटल फिश को क्या बोलते हैं लोग, सीपिया बोलते हैं, ये क्या है मोलस्का, ये मोलस्का आ गया, ये पीसी की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन तुरंत कट जाएगा, ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा। सिल्वर फिश ये क्या है हमारा, लेपिस्ना बोलते हैं, सिल्वर सिल्वर फिश को क्या बोलते हैं लोग, लेपिस्ना बोलते हैं सिल्वर फिश को, ये क्या है आर्थ्रोपोड्स होता है, सिल्वर फिश लेपिस्ना बोलते हैं, आर्थ्रोपोड होता है, ठीक है, ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। सेंटीपीड मिलीपीड इंसेक्टा, सेंटीपीड नहीं, ये क्या है होता है, किस क्लास का ही है, किलोपोडा का होता है। मिलीपीड किसका होता है, डिप्लोपोडा का है। स्पाइडर किसका है, स्पाइडर स्कॉर्पियन क्लास का, स्कॉर्पियन की क्लास का बिलोंग करता है ये, तो हमारा इंसेक्टा का नहीं है ये, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, नॉट इंसेक्ट, ठीक है। तो आंसर हमारा फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम, सेम फाइलम बात कर रहा है, प्रॉन क्या है, क्रस्टेशिया क्लास का ये, किसका ये आर्थ्रोपोडा, स्कॉर्पियन आर्थ्रोपोडा का है, लोकस्टा ये भी आर्थ्रोपोडा का है, तो ये तीन के तीनों हमारे सेम फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, ये सेम क्यों हो गए। अदर ऑप्शन देखते हैं, स्पंजेस, स्पंजेस किसके हो जाएंगे हमारे, स्पंजेस, स्पंजेस हमारे क्या, पोरीफेरा, सी एनिमोन, सिलेंट्रेट, स्टार फिश, इकाइनो डरमेट, नो सेम क्लास, ऑप्शन बी रॉन्ग। मलेरिया पैरासाइट क्या है, प्रोटोजोआन का होता है, किस क्लास, स्पोरोजोआ, ठीक है, अमीबा प्रोटोजोआ, मॉस्किटो आर्थ्रोपोडा, ये भी ऑल आर द डिफरेंट फाइलम, ये रॉन्ग, अर्थवर्म एनी लेडा, पिनवर्म किसका, एस्केलमेंथिस, टिपवर्म टेपवर्म, प्लेटीहेलमेंथिस, ऑल आर दैट बिलोंग टू डिफरेंट फाइलम, सो ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग एनिमल्स कॉलम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, कॉलम सेकंड दी फाइलम क्लास थर्ड व्हिच इज बिलोंग, लिमुलस, लिमुलस क्या बोलते हैं हम लोग, किंग क्रैब, किंग क्रैब मतलब क्या, क्रस्टेशिया मतलब आर्थ्रोपोडा का है ये, बॉडी कवर्ड विद काइटिन एक्सोस्केलेटन, ये सही है, आर्थ्रोपोडा का करेक्टर है, सही है, बट पीसीज क्लास ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एडम्सिया, एडम्सिया क्या बोलते हैं लोग, सी एनी मोन बोलते हैं, एडम्सिया सी एनी मोन, किस क्लास का ये बिलोंग करेगा, ये किस फाइलम से बिलोंग करेगा, ये हमारा हो जाएगा सिलेंट्रेटा या निडेरिया से बिलोंग करेगा, सिलेंट्रेटा, ठीक है। एक्सोस्केलेटन ये क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल, तो ये हमारा सिलेंट्रेट रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, बट एडम्सिया हमारा क्या है, ये एसिमेट्रिकल बॉडी शो करती है एडम्सिया, और ये पोरीफेरा का नहीं है, किसका है, सिलेंट्रेटा के स्टेफन, ये बी भी रॉन्ग हो जाएगा। पिट्रोमाइजन ये क्या है, साइक्लोस्टोमेट, ये साइक्लोस्टोमेट एक तो पैरासाइट है, करेक्ट, साइक्लोस्टोमेटा करेक्ट, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन डी। इक्टियोफिश टेरेस्ट्रियल रेप्टिलिया, नहीं, इक्टियोफिश को क्या बोलते हैं लोग, जो है हम लोग, वी आर कॉल्ड लिम लेस एम्फीबिया, लिमलेस एम्फीबिया इज इक्टियोफिश, ये टेरेस्ट्रियल करेक्ट, बट रेप्टाइल्स नो, दिस इज बिलोंग टू एम्फीबिया
प्लस ये नहीं है, तो इसलिए ये भी डी भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा, इस आर्थ्रोपोडा का कह रहा है कि कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, पफर फिश। पफर फिश अगर हम लोग, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिए पफर फिश के बारे में, तो पफर फिश क्या होती है कि ये एक फिश ऐसे रहती है, ठीक है, जहाँ पर ये कि ये हमारा बिलोंग करती है किससे, ओस्टाइक फिश से। ये मोटी सी, मतलब कि इसका जो एब्डोमेन होगा ये बहुत ही ब्रॉड एब्डोमेन होता है, ऐसे रहेगा दिस टाइप, एंड इसके ये हेट्रोसिलस ये पूछ जाएगी, ठीक है, हेट्रोसिलस की फिन रहेगी, दिस इज कॉल्ड पफर फिश। This is puffer fish, ठीक है, this is belong to क्या, species, species मतलब क्या, fishes से belong करेगा, arthropod से नहीं belong करेगा, so this is wrong, flying fish, called exocetus, ये किसे belong करेगी, ये belong करेगी species से, ये भी गलत हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद क्या, cuttlefish, cuttlefish क्या होते लोग, sea fish, cuttlefish known as सीपिया, बिलोंग टू क्लास, बिलोंग टू फाइलम क्या, मोलस्का, दिस आर, दिस इज मोलस्का, कटल फिश बिलोंग टू क्लास फाइलम मोलस्का, ठीक है, तो सो सी इज रॉन्ग, ऑप्शन डी सिल्वर फिश नोन एज लेपिस्मा बिलोंग टू क्लास इंसेक्टा फाइलम आर्थ्रोपोडा, सो ऑप्शन विच फाइलम बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा इज सिल्वर फिश बिलोंग टू ऑप्शन फाइलम आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हम लोग डिस्कस कर ले हैं कि फाइलम प्लांट किंगडम का पार्ट फर्स्ट, क्योंकि इसमें 60 क्वेश्चन के आसपास है, तो काफी लंबा टाइम लग जा रहा है हम लोग डिस्कस करने में, क्योंकि हम लोग पहले इसके कुछ थ्योरी पोर्शन हम लोगों ने इसका क्लियर किया, उसके बाद हम लोग इसके 30 क्वेश्चन तक 1 to 30 क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वी आर डिस्कसिंग 31 to onward, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है ये और सबसे टफ क्वेश्चन आते हैं, मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, आप लोग बार बार प्रत्येक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहीं से आस पास से क्वेश्चन अराइज हो रहा है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर एनिमल किंगडम पार्ट 2, और प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके, आप लोग घर पर हो बेस्ट स्टडी कर सको, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू एंड प्लीज शेयर विथ फ्रेंड्स, मीन्स आप अपने उन बच्चों उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं, घर पर हैं, तो बेस्ट अच्छे से उनकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, थैंक यू।